नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री का संबोधन आज। उरी आतंकी हमले समेत कई मुद्दों पर चर्चा, कई अहम प्रस्ताव भी पारित होने की उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी, न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सोमवार को महासभा को करेंगी संबोधित। आंध्र और तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, राहत और बचाव में जुटी सेना और एनडीआरएफ, वायुसेना भी तैनात। कई इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी। सीरिया के अलेप्पो के हिंद्रान पर सेना का कब्जा, ताजा हमलों में 52 लोगों की मौत, कई घायल, खाद्य सामग्री और पानी का बढ़ा संकट। और सानिया स्ट्राइकोवा की जोड़ी ने जीता पैन पैसिफिक ओपन का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को 6-1, 6-1 से मात, 4 साल में 3 बार खिताब पर कब्जा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और बैठक में पार्टी के देश भर के शीर्ष नेता शामिल हैं। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद है। बैठक में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के शिविर पर आतंकी हमला और उसमें पाकिस्तान की भूमिका पर भी चर्चा की उम्मीद है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उरी हमले पर पहली बार सार्वजनिक मंच से बोले। पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। शनिवार को केरल के कोझिकोड रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में एक ही देश से आतंकवाद का निर्यात हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान पर एशिया को लहूलुहान करने का आरोप लगाया, साथ ही पाकिस्तान को गरीबी और अशिक्षा से लड़ने की सलाह दी। उरी हमले के बाद पहली रैली में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और पाकिस्तान पर सख्त लहजे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के हुक्मरान आतंकियों का लिखा भाषण पढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान के नेता कश्मीर पर बात कर वहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं और विकास से दूर ले जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या कारण है? प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन एक देश इसमें रोड़ा अटका रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आतंकवाद एक ही जगह से निर्यात हो रहा है। कहीं भी जब आतंकी घटना होती है, इसके तार भी उसी देश से जुड़ते हैं। एशिया के अंदर जहां जहां आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत उरी में बलिदान देने वाले जवानों को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को इस बात पर लड़ना चाहिए कि कौन गरीबी और अशिक्षा को पहले खत्म कर सकता है। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े, पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है।
कोझिकोड में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। बैठक के आखिरी दिन रविवार को प्रधानमंत्री इसे संबोधित करेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की, जहां एक और उन्होंने भारत की जनता को ये बताया कि एनडीए सरकार आतंक के मुद्दे पर कमजोर नहीं पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर सीमा पार भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि भविष्य में किसी भी आतंकी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, कोझिकोड। इसराइली में प्रधानमंत्री आतंकी हमले के तर भी कई मुद्दों पर बोले। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है। प्रधानमंत्री का मानना है कि पिछले शताब्दी में महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया के चिंतन का देश पर खासा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को अपनी योजनाओं में शामिल किया है। प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य गरीबों का सशक्तिकरण है। किसान हो या कारोबारी हो, दिल्ली में बैठी हुई सरकार हर किसी को एम्पावर करने के लिए, हर किसी को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया सामर्थ्य, नया अवसर देने के लिए प्रयास कर रही है और सारी योजनाएं समाज के सशक्तिकरण पर केंद्रित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात से कई विषयों और मुद्दों पर जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का ये 24वां संस्करण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरदर्शन समाचार की यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध होगा। विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गई हैं। यहां पर वो सोमवार को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगी। माना जा रहा है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगी। इधर भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को संयुक्त राष्ट्र में कोई समर्थन नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगी। वो सीमा पर आतंकवाद और इसमें पाकिस्तान की भूमिका पर जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रखेंगी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि आतंकवाद पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। उन्होंने कहा कि महासभा में अब तक 130 देशों ने अपनी बात रखी है, इसमें से एक देश को छोड़कर किसी ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। The issues of interest to India had now on top of the international agenda. As far as Pakistan is concerned, they have not got any support from anyone in the United Nations General Assembly. भारत ने कहा कि 90% देशों ने आतंकवाद को बड़ी चिंता बताया है। सैयद अकबरुद्दीन ने समर्थन के लिए इन देशों को धन्यवाद भी जताया। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय मंचों पर भी भारत को आतंकवाद पीड़ित देश माना गया और एकजुटता दिखाई गई। अकबरुद्दीन के मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ व्यापक समझौते पर भी तेजी से काम हो रहा है। The CCIT, as it is called, is the Comprehensive Convention on International Terrorism. We launched it in 1996. There has been enormous forward movement, except for one paragraph which is now left. उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दावा किया कि उरी हमला कश्मीर से ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है। पाकिस्तान ने अगले महीने भारत में लगने वाली व्यापार प्रदर्शनी भी रद्द कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शांति के बगैर समृद्धि नहीं आ सकती और शांति की राह में आज सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने न्यूयॉर्क में ये बातें कही। उन्होंने उरी आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों का को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के साक्ष्य मौजूद हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को लेकर दुनिया भारत के रुख से सहमत है। दुनिया अब उस बात को समझने लगी है और कह रही है कि हाँ, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि हम ईमान से कह रहे हैं, हम अपनी ईमानदारी से कह रहे हैं, हम सबूत से कह रहे हैं, सबूत के बेसिस पे कह रहे हैं और हम यकीन के बेसिस पे कह रहे हैं कि हमें वाकई एक ऐसा देश और ऐसा दुनिया चाहिए जिसमें हम सब मिलकर तरक्की करें।
एक दूसरे पे हम जंग ना करें, और ये बात जो है ये लाजमी है कि दुनिया इस बात का समर्थन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेना प्रमुखों से मुलाकात की। उरी आतंकी हमले के बाद रणनीति के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में थल सेना प्रमुख जनरल दरबीर सिंह सुहाग, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा और नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल करमबीर सिंह शामिल हुए। हालांकि रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये एक रूटीन बैठक है। इनके मुताबिक तीनों सेना के प्रमुख हर महीने प्रधानमंत्री से अलग अलग मसलों पर बैठक करते हैं। उरी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री सेना के अधिकारियों से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। और कांग्रेस ने राफेल डील की शर्तों को लेकर सवाल उठाए हैं और करार की कॉपी सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि अगर इसमें विमान की तकनीकी देना शामिल नहीं है तो ये देश के लिए महंगा सौदा साबित होगा। पूर्व रक्षा मंत्री के एंटनी ने इसे मेक इन इंडिया अभियान के लिए झटका बताया है। राफेल विमान सौदे पर हस्ताक्षर के एक दिन बाद कांग्रेस ने खरीद की शर्तों और रक्षा तैयारियों पर सवाल उठाया है और करार की कॉपी सार्वजनिक करने की मांग की है। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि यूपीए सरकार ने जब राफेल डील पर बातचीत शुरू की थी उसमें 50% ऑफसेट का प्रावधान था। इसके अलावा 18 लड़ाकू विमानों को फ्रांस में बनाया जाना था और बाकी विमानों का उत्पादन भारत में ही होना था, लेकिन इस डील में मेक इन इंडिया अभियान को दरकिनार कर दिया गया है। ए के एंटनी ने केंद्र सरकार से वायुसेना में विमानों की कमी पूरा करने की योजना के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया गया था जिसकी वायुसेना को सख्त जरूरत थी। वायुसेना के लिए अभी 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है लेकिन उसके पास केवल 32 स्क्वाड्रन ही हैं और 2022 तक ये घटकर 22 स्क्वाड्रन तक हो जाएंगे। ऐसे में विमानों की कमी को सरकार किस तरह से दूर करेगी? भारत और फ्रांस के बीच शुक्रवार को 36 राफेल लड़ाकू विमान का करार हुआ है लेकिन कांग्रेस को ये सौदा पूरी तरह से फ्रांस की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मराठा क्रांति मोर्चा के बैनर तले पूरे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय शांति मार्च निकाल रहा है। शनिवार को नासिक में हुई रैली में लाखों लोग शामिल हुए और कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि कोपरडी गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही SC/ST कानून में बदलाव और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग शामिल है। यह आंदोलन पूरी तरह पर गैर राजनीतिक है और इस आंदोलन का कोई नेता भी नहीं, लेकिन इतनी भारी तादाद में लोगों का आंदोलन से जुड़ने से राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। बलात्कारियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और वो जो आरक्षण है एट्रोसिटी का उसमें सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, इसके लिए हम सब इधर जमा हुए हैं। कोई भी समाज का आदमी हो जो लड़कियों पे अत्याचार करता है उसे जल्द से जल्द कोई न कोई शासन होना चाहिए, उससे कड़ी से कड़ी सजा अगर होती है तो आगे चलकर कोई भी आदमी इस तरह का गुनाह नहीं करना चाहिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी जल मुद्दे पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार के एक विशेषज्ञ समिति बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ नदी पर निर्माण नहीं रोक रहा। राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के पैनल ओडिशा के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए विशेषज्ञ समिति में कोई प्रतिनिधि भेजने का मतलब नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आज सरोकार में बात हमारे देश की संसद से पारित कानूनों के हाल और उनके अमल पर उठते सवालों की। जो देश के अंदर अंग्रेजों के जमाने में जुर्म नहीं होता था वो आज की डेट में होता है। आपको कानून लागू नहीं करना है तो ऐसे रूल्स बना दीजिए जिसका प्रभाव जो है रेहड़ी वालों को फायदा ही नहीं मिलेगा। MCD रिपोर्ट दिल्ली सरकार को नहीं करती है, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को रिपोर्ट नहीं करती है। प्लानिंग कमेटी का होना बहुत जरूरी है, जब तक प्लानिंग कमेटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। एक स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
हिंदुस्तान के आदिवासियों की सबसे पुरानी सभ्यता। विलुप्त होती आदिम सभ्यता पर विशेष श्रृंखला। अंडमान निकोबार में राज्यसभा टीवी की टीम। पहली बार आदिवासियों पर विशेष कार्यक्रम अंडमान के आदिवासी, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। विश्व प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे के सिनेमाटोग्राफर सौमेंदु रॉय, जिनके स्पर्श ने बनाया कई फिल्मों को क्लासिक। जानिए एक गुजरे दौर का सिने अनुभव। मिलिए सीनियर मोस्ट कैमरामैन सौमेंदु रॉय से गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने शनिवार को बस्तर और बीजापुर में दो जगहों पर मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया। इसके अलावा बीजापुर से 5 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया। बस्तर जिले के घने जंगल वाले पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। इनसे हथियार भी बरामद हुए। सुरक्षा बलों को कुछ नक्सलियों के बरगम थाना के जंगलों में होने की खबर मिली। इसके बाद जिला रिजर्व समूह, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और जिला बल की साझा टीम ने नक्सल रोधी अभियान शुरू किया। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक गोलीबारी हुई। दूसरी घटना बीजापुर की है, जिसमें एक नक्सली मारा गया। यहां से भी भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। इन घटनाओं में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। हमारे 2 जिलों में एनकाउंटर्स हुए हैं। जगदलपुर में जिला बस्तर में एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 2 माओवादी मारे गए हैं और 2-3 राइफल्स और बहुत सारा सामान मिला है। बीजापुर जिले में कुटरू थाना में काफ़ी दूर एक एनकाउंटर हुआ है, उसमें भी एक डेड बॉडी बरामद हुई है। उसमें राइफलों के 3 राइफल्स और 50 राउंड्स के करीब और हैंड ग्रेनेड वगैरह भी मिले हैं। और दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस करार में मलेशिया के 2 नागरिकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। टी आनंद और AR मार्शल इस मामले में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन के साथ आरोपी हैं। साथ ही अदालत ने इस मामले में मारन बंधु और उनकी कंपनियों के खिलाफ मामले को मलेशिया के इन दोनों नागरिकों के लिए अलग कर दिया है। CBI का कहना है कि मलेशिया के नागरिकों के पेश होने में देरी से सुनवाई में दिक्कत आएगी। CBI ने मलेशिया के नागरिकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की थी। CBI ने इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर रखा है। बारिश से बेहाल हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों में सेना को उतारा गया है। NDRF की टीम को भी तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाने को कहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी गुंटूर के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे किया। दोनों राज्यों में बाढ़ से अब तक 13 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के कोंकण और मराठवाड़ा क्षेत्रों में 3 दिन से लगातार जारी भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश से बेहाल हैदराबाद और तेलंगाना में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। करीब 400 जवानों को हैदराबाद और पड़ोसी जिले रंगारेड्डी में तैनात किया गया है। जवानों ने खाने पीने का सामान पीड़ितों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। सेना ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष भी बना लिया है, जहाँ पूरी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। हैदराबाद में जहाँ जहाँ पर वाटर स्ट्राइकिंग्स है, जहाँ जहाँ पर जो डाउन में एरिया से पानी जा रहा है कॉम्प्लेक्स में घरों में, उसको भी हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे पुराने जो नाला से, जहाँ जहाँ पे जो छोटे छोटे पुराने तालाब से, तालाबों के पास जहाँ पर वाटर को डाइल्यूट करना है। बारिश के चलते सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। कई जगहों पर सड़कें धस गई हैं। भारी बारिश के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पानी इतना भर गया है कि लोग बचने के लिए छतों पर जा पहुंचे हैं। NDRF की टीम को भी तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने तेलंगाना में कई जगहों पर अगले 24 घंटे में सामान्य से भारी बारिश की आशंका जताई है।
हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों में शनिवार को लगातार दूसरे दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारत के स्कैटसेट 1 उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएसएलवी C-35 सोमवार सुबह 9:12 पर स्कैटसेट 1 समेत 8 उपग्रह को लेकर जाएगा। ये पहला मौका होगा जब पीएसएलवी 2 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। स्कैटसेट का वजन 377 किलो है। ये समुद्र और मौसम से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। वहीं पीएसएलवी के साथ अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया के 5 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाएंगे। साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों के 2 शैक्षणिक उपग्रह भी छोड़े जाएंगे। अमेरिका के वॉशिंगटन में शनिवार को हुई गोलीबारी में 4 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ये घटना वॉशिंगटन के एक मॉल की है। गोलीबारी करने वाला शख्स मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। कैस्केड मॉल में स्थानीय समय अनुसार शाम 7:30 ये गोलीबारी हुई। FBI इस मसले को आतंकी गतिविधि की आशंका को लेकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर 20 से 30 साल के बीच के हैं और वो काला शर्ट पहने हुए था। अमेरिका में हाल के ही दिनों में गोलीबारी की घटना में इजाफा देखा गया है। हाल ही में मिनेसोटा के एक मॉल में एक शख्स ने 9 लोगों को चाकू से मार दिया था। For the suspect, again, you've got detectives, you've got dozens and dozens of detectives behind me, going absolutely over every tip, both on social media and phone calls, trying to determine where this suspect is at. और सीरिया में सरकारी सेना ने अलेप्पो शहर के उत्तर में विद्रोहियों के हिंद्रांत शिविर पर कब्जा करने का दावा किया है। सरकारी सेना के आगे बढ़ने के अभियान में इसे पहली सफलता माना जा रहा है। विद्रोहियों ने यह आरोप लगाया है कि सरकारी सैनिक उनके कब्जे वाले इलाकों में भारी गोलीबारी कर रहे हैं। इस बीच रूस और सीरिया की सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ताज़ा हमलों में 52 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए। पिछले हफ्ते में जारी युद्ध विराम टूटने के बाद उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में भारी हवाई हमले हुए। इससे युद्ध पीड़ित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने और पीने के पानी की सप्लाई ठप हो गई है। इराक के उत्तरी शहर तिक्रित में आतंकवादियों ने गोलीबारी की और आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। इस शहर को पिछले साल IS के कब्जे से छुड़ाया गया था। किसी भी आतंकी संगठन ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन IS इराक में आम लोगों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लगातार हमले करता रहा है। और कानपुर टेस्ट का 4th दिन है। टीम इंडिया ने इस मैच पर पकड़ मजबूत कर ली है। इससे पहले 3rd दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 159 रन बना लिए हैं। इस तरह से भारत की कुल बढ़त 215 रनों की हो गई। मुरली विजय 64, चेतेश्वर पुजारा 50 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी शनिवार को 262 रनों पर सिमट गई। इस तरह से भारत को पहली पारी में 56 रनों की बढ़त मिल गई। न्यूजीलैंड ने कल के स्कोर 1 विकेट पर 152 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन भारतीय फिरकी के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। टीम इंडिया की ओर से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट और अश्विन ने 4 विकेट चटकाए, जबकि उमेश यादव को 1 विकेट मिला। कीवी टीम से कप्तान विलियम्स ने सबसे ज्यादा 75 और टॉम लाथम ने 58 रनों की पारी खेली। भारत ने पहली पारी में 318 रन बनाए थे। और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपनी जोड़ीदार के साथ पैन पैसिफिक ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्रेकोवा ने चीन की चेन लियांग और झाओशुआन येंग की जोड़ी को सीधे सेटों में मात दी। टोक्यो में खेले गए मुकाबले को सानिया बारबोरा ने 6-1 से अपने नाम कर खिताब पर कब्जा किया। सानिया बारबोरा का एक साथ ही तीसरा टूर्नामेंट था। पिछले महीने इस जोड़ी ने सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता था। हालांकि इस जोड़ी को अगस्त में अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में ही बाहर होना पड़ा। सानिया मिर्जा पिछले 4 साल में तीसरी बार पैन पैसिफिक ओपन का खिताब जीतने में कामयाब रही हैं। इससे पहले सानिया ने 2013 और 2014 में भी ये खिताब
जीता था। फिल्मी दुनिया में सबसे स्टाइलिश अभिनेता की बात अगर हम करें तो नाम आता है फिरोज खान का। आज ही के दिन बंगलुरु में जन्मे फिरोज खान का फिल्मी सफर करीब 50 साल का रहा। फिरोज खान ने धर्मात्मा, जानबाज, कुर्बानी, दयावान और आरजू जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। आदमी और इंसान के लिए तो उन्हें श्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बतौर कलाकार फिरोज खान ने 2007 में आखिरी फिल्म द वेलकम की थी। अभिनय के साथ साथ उन्होंने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया और वहां भी कामयाबी के कदम चूमे। उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रेम पुजारी वो होता है छोटे भाई जो प्यार को भगवान समझे। तुम तो रोज भगवान बदलते रहते हो। क्या करूं भाई साहब, भगवान ही इतने के एक से दिल नहीं भरता और उसके फल में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अभी तुम प्यार को खेल समझते हो छोटे भाई। जिस दिन सच्चा प्यार हो जाएगा, प्यार के सही माने समझ आ जाएंगे तुम्हें। कुमार साहब, खतरों से वो लोग डरते हैं जिन्हें जिंदगी प्यारी होती है। मैं तो खतरों से खेलना अपनी जिंदगी समझता हूँ। I wish you best of luck. Thank you. This time I may need it. Good luck. जो तुमको वो पसंद वही बात है ने। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको वो पसंद वही बात है ने। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री का संबोधन आज। उरी आतंकी हमले समेत कई मुद्दों पर चर्चा, कई अहम प्रस्ताव भी पारित होने की उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी। न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सोमवार को महासभा को करेंगी संबोधित। आंध्र और तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, राहत और बचाव में जुटी सेना और एनडीआरएफ, वायुसेना भी तैनात। कई इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी। सीरिया के एलेप्पो के हिंद्रांत पर सेना का कब्जा। ताजा हमलों में 52 लोगों की मौत, कई घायल। खाद्य सामग्री और पानी का बढ़ा संकट। और सानिया स्ट्राइकोवा की जोड़ी ने जीता पैन पैसिफिक ओपन का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को 6-1-6-1 से मात। 4 साल में 3 बार खिताब पर कब्जा। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए तरकश।